मेहताब, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे प्यार का बुखार 104 डिग्री हो गया है। मेहताब, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे प्यार का बुखार 104 डिग्री हो गया है। मेहताब, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे प्यार का बुखार 104 डिग्री हो गया है। मेहताब, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे प्यार का बुखार 104 डिग्री हो गया है। मेरा दिल, मेरा गुर्दा, मेरे फेफड़े, मेरी आंतें, सब कुछ तुम्हारे प्यार की गवाही देती है। मेहताब, तुम मेरी जिंदगी बन गई हो और लगता है अब मेरी मौत का सबब भी तुम ही बनोगे। प्लीज मेहताब, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता। शिगुफ्ता बेगम जी, सरताज। लभी कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। क्यों शिगुफ्ता बेगम, मैं जब भी बोलता हूँ ना कोई रौला ही पै जाता है। बोलिए ना अशरफ, आप तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं। शिगुफ्ता बेगम, इस उम्र में ना रोमांटिक जुमला बोलते हुए ना मेरी जबान लड़खड़ा जाती है, क्योंकि मैं ना एक मशरकी लड़का हूँ। आप सिर्फ हमारे लिए मशरकी लड़के हैं, दूसरों के लिए तो चॉकलेटी हीरो बन जाते हैं। शिगुफ्ता बेगम, तुम अभी तक मुझे चॉकलेटी हीरो समझती हो? शुक्र बच गया, उत्तों ही आ जाती है। भाईजान, मैं लूट गई हूँ, मैं बर्बाद हो गई हूँ। हाय हाय हाय, मासूम सी जान, छोटी सी जान, और दो दोस्त आने हैं। चुप कर जाइए ना, वो कुछ बताने की कोशिश करे, आप मुसलसल उसकी लाइन काटे जा रहे हैं। ओ जिन्ना मेरी भैन दा दुपट्टा चुरा, मावे नेक टोटे करांगा के हिसाब मुक जाएगा, टोटे नहीं मुकणगे। अजफर, अजफर रहमान। हाँ अजफर बेबी, अजफर ने तो एक बार तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी थी, अब क्या किया है? भाईजान, वो सुबह से किसी लड़की के साथ ना फोन पे रोमांटिक बातें कर रहा है। हाँ बेबी वाह, उस कटिया इंसान ने एक कटिया हरकत करके एक बार फिर मुझे कटिया हरकत करने पे मजबूर कर दिया है। क्या? हाँ, उसने किसी लड़की से फोन पर बात करके मुझे खुले आम दावत दे दी, बल्कि दावत आम दे दी कि मैं भी फोन पे किसी लड़की से छुप छुप के बातें करूँ। क्या मतलब है आपका? शिगुफ्ता बेगम, वट्टा सट्टा में ऐसे ही होता है। अबे भी तुमने घबराना नहीं, मैं अभी हिसाब चुकता करता हूँ। अरे ये हमारे नेक सीरत भाई पे इल्जाम लगा रही है। व्हाट, चुप करें भाभी आप। भाईजान आप प्लीज जरा आए मेरे साथ चलें, खुद अपने कानों से देखें। मगर बेबी, मैं तो अपनी आंखों से देखता हूँ। नहीं, अभी आपको अपने कानों से देखना होगा क्योंकि दरवाजा बंद है। उठे चलो आओ भी देखते हैं। हाँ तो गई, मेरी कमाल ही हो गया। अशफर, और दरवाजा खोल, मैं तो तोड़ दूंगा। भाईजान धमकी से बात नहीं बनेगी, सच मुझ को तोड़ दिलाते मार के। ठीक है, इधर आ जाओ, तुम लोग इधर इधर आ जाओ। 1 2 3 अरे डांस कराते ओ भाई, तो मेरा हाथ छोड़े। अरे छोड़ी ना, हमारे भाई का हाथ टूटा हुआ है। ओए, तेरा हाथ टूटा हुआ था? तूने कभी बताया ही नहीं मुझे। बचपन में टूटा था, तब तो हमारा भाई किसी को कुछ बताने के काबिल भी नहीं था। भाईजान आप इसे पूछिए, ये फोन पे रोमांटिक बातें किससे कर रहा था? ओए कटिया इंसान, किससे रोमांटिक गुफ्तगू कर रहा था? खुद से। हैं शिगुफ्ता बेगम, आधा केस तो सॉल्व हो गया, मुजरम ने इकरार जुर्म कर लिया। आपने शायद गौर से सुना नहीं, खुद से कहा है। अरे इस घर में कोई खुद से भी रोमांटिक गुफ्तगू नहीं कर सकता। एक दूसरे से तो कोई करता नहीं इस घर में। बेबी मुझे लगता है ये बट मामू का केस है। अरे अशरफ प्लीज, मामूली मामूली बातों में बट मामू को लाने की क्या जरूरत है? भाईजान आप अभी अभी इसी वक्त इसका सेल फोन चेक करें। ओए चलो सेल चेक कराए। जी ले, चेक करें। देखा, हमने कहा था ना, आखिरी बार इसने अपनी मनकुहा को फोन किया। तो लड़की का नाम मनकुहा है? अरे खुदा के लिए, मनकुहा बीवी को कहते। एक मिनट, मैं रिसीव कॉल में चेक करती हूँ, इसमें तो बाजी लिखा है। मिस्ड कॉल चेक करो। मिस्ड कॉल में तो भाईजान लिखा है, और वो भी 3 दिन पहले की मिस्ड कॉल्स है इसमें। मैं समझ गया बेबी, बेबी मैं ते बिल्कुल समझ ही गया, तुम ना भाईजान में से भाई हटाओ तो बाकी क्या बचा? जान। हाँ, शादी से पहले मैं भी अपनी महबूबा का नाम ना भाईजान के नाम से सेव करता था। क्या
अरे आधी मुजरिम तो फिर आप निकले ना। शगुफ्ता बेगम, वो शादी से पहले की बातें थी। मैं ना शादी से पहले ना थोड़ा थोड़ा शरारती होता था, पर अब मैं ठीक हो गया। आप लोगों की तसल्ली हो गई? तुमने रूम क्यों लॉक किया था? ये मैं नहीं बता सकता। देख लिया ना भाईजान, इसके दिल में चोर है। बेबी, ये तो पूरे का पूरा चोर है। आप लोग जरा बाहर जाइए, हमारा भाई हमें बता देगा। नहीं बाजी, मैं मर जाऊंगा मगर ये बातें किसी को नहीं बताऊंगा। अपनी बहन को भी नहीं बताएगा? नहीं। मगर क्यों? क्योंकि ये एक सरप्राइज है, वक्त आने पे आप सब लोग देख लीजिएगा। देख और सुन लिया आप लोगों ने? हम शर्मिंदा हैं अशरफ। मां जी! हाँ, अब ये केस मां जी की अदालत में ही पेश होगा, फिर इसकी सारी जेर जबर ठीक हो जाएगी। अरे इस बेमुरव्वत इंसान को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। चलो अपनी आखिरी ख्वाहिश बता। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। चलो चलो बताओ। अरे छोड़िए हमारे भाई को, हमें पूरा यकीन है, हम प्यार से पूछेंगे तो बता देगा ना। छोड़ दीजिए। अरे बाजी, अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। देख हसफर, इस तरह तेरी बाजी का भरम टूट जाएगा। भरम? भरम तो अब आप मेरे देखिएगा। वो तो हम देख ही रहे हैं। अच्छा ये बता, किससे बातें कर रहा था, क्यों कर रहा था और क्या कर रहा था? तीनों ऑप्शंस में से किसी एक का जवाब तो जरूर दे। कैन आई यूज लाइफलाइन? मैं क्या बातें कर रहा था, क्यों कर रहा था, ये मैं आपको भी नहीं बता सकता। अच्छा फिर ये बता, किससे कर रहा था? खुद से। असफर, अगर ये केस माजी की अदालत में पेश हो गया ना, तो तुझे पता है क्या होगा? अच्छी तरह से पता है क्या होगा। ठीक है, आज के बाद तेरी बाजी तेरे लिए मर गई। नहीं बाजी, आप मेरे लिए कभी नहीं मर सकती। बाजी, बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब आप मेरा नाम फखर से लिया करेंगी। अच्छा? बस बाजी, ये समझ लीजिए आपके भाई का सितारा चमकने वाला है। रेल पेल होगी इस घर में। रेल इस घर में चलेगी? अरे मुल्क में तो चलती नहीं, इस घर में खाक चलेगी। उस रेल की नहीं बाजी, मैं दौलत की रेल पेल की बात कर रहा हूँ। बात सुन, तूने कहीं कोई अमीर लड़की तो नहीं पटा ले? अब तो अमीर लड़कियां आपके भाई को फंसाने की कोशिश करेंगी बाजी, मगर मगर क्या? आपका भाई किसी को लिफ्ट नहीं कराए। लिफ्ट तो तू इस वक्त हमें भी नहीं करा रहा। बस बाजी, कुछ दिन और। कुछ दिन और? ये फिल्म का नाम है? अरे फिल्म के बारे में अभी मैंने सोचा नहीं। माजी, बड़ी फिल्मी सिचुएशन है। फिडे मुझ तेरा, तुझे ये फिल्मी सिचुएशन नजर आ रही है? ये नहीं माजी, वो क्या? माजी, मैंने असफर को किसी से बातें करते हुए ना खुद देखा है। देखा नहीं है भाईजान, सुना है। हाँ हाँ, वही वही। इसमें फिल्मी सिचुएशन वाली कौन सी बात है? है ना माजी, बता ना। माजी, असफर किसी से बात कर रहा था, पर जिससे वो बात कर रहा था ना, वो था नहीं। ये तो हॉरर सिचुएशन है। अरे हो सकता है वो फोन पर किसी से बात कर रहा हो। ये किल्लू मेरे दिमाग में नहीं आया था। गिलू नहीं भाईजान, क्लू। हो सकता है उसने फोन करने के बाद नंबर डिलीट कर दिया हो। शाबाश माजी, शाबाश, आपने आज साबित कर दिया कि आप मेरी ही माँ है। अब बात क्या कर रहा था ये बता। बेबी, माँ जी को बेपे सुनाओ। फिर तेरा अले बेपे, मुझे जुबानी याद है। मां जी, भाईजान का मतलब था मैं आपको अलीफ से ये तक कहानी सुनाऊं। तो सुना ना। आपको पता है मैंने और भाईजान ने ना अंदर जाके जब पूछा उसे तो उसने बहाना कर दिया, मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने भाईजान को भी ये बात बताई, अब आप बताएं ना हम करें क्या। बेगैरत इंसान, और तुम दोनों भी बेगैरत हो, तुम्हारी गैरत हो गई है। लस्सी पी के माँ जी, दही वाली लस्सी पी के सोई है। फिडे मुझ तेरा, आज मुझे लगता है कि मेरी तरबियत में कोई खामी रह गई है। अजफर की तरबियत आपने की थी माँ जी? मैं तुम दोनों की तरबियत की बात कर रही हूँ, खास तौर पे बेबी की तरबियत की बात कर रही हूँ। माँ जी, आप अपने इस फिक्रे पर रोशनी डालने की जहमत गुवारा करेंगी? मैं जावेद भट्ट से वो उगलवा लेती थी जो उसने किया भी नहीं होता था। माँ जी, आप पुलिस में थी? हाँ, मैं एक पुलिस वाले की बहन हूँ। उस बेकैरत को ठुड्डे मार के मेरी अदालत में पेश करो। ना माँ जी ना, ठुड्डे थानों में मारे जाते हैं, अदालतों में तो सिर्फ फैसले होते हैं। माँ जी, मैं उस हाडे राम का अभी फैसला करती हूँ। ठुड्डे मार के फैसला करेंगे? खड़े मुत तेरा, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, मेरा बीपी हाई हो रहा है। मेरे ही घर में मेरी बेटी का सुहाग सुहागा हो गया। बेबी गोली। बेबी, तो माँ जी को गोली दो, मैं जरा अजफर को गोली की तरफ लाता हूँ। और सिर चुका है, मुजरिम को सिर चुक के गल करने की इजाजत नहीं होती। आई ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अभी तक हमारे भाई पे कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, इसलिए मुजरिम का लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाए। और नजरें नीचे कर। नजरें क्यों नीचे करूं, अभी तो मैंने आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखा है। माँ जी, मुजरिम तो बदतमीजी ही करने लगा, फटाफट फैसला सुनाए। असफर बता देना माँ जी को। अरे माँ जी गुस्से वाली लगती है मगर है नहीं। वाह भाई वाह, ये तो जज को रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, रिश्वत? अरे हम रिश्वत नहीं दे रहे, हम तो मक्खन लगा रहे हैं। आपको रिश्वत देने और मक्खन लगाने का फर्क नहीं पता? वाह बाजी, वेरी गुड। लो जी, यहाँ तो सरकारी वकील की कोई इज्जत ही नहीं है। बोलेगा तो इसका बाप भी। क्यों बाजी,
जब मुकदमा मुझ पे, तो मेरा बाप क्यों बोलेगा? बोलेंगे तो तेरे अच्छे भी। असफर नजरें नीची कर ले भाई। क्यों बाजी, जब मैंने कोई जुर्म नहीं किया तो मैं नजरें नीचे क्यों करूं? अब मैं फैसला सुनाने लगी हूँ। एक मिनट माजी, एक मिनट। असफर सच बात बता दे। माजी अगर आपकी इजाजत हो तो आपका फैसला मैं सुना दूं। लो जी, तारीख में पहली दफा कोई मुजरम अपना फैसला आप सुनाने लगा। अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और इस घर से चले जाओ, यही फैसला है ना आपका? अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, बिल्कुल यही फैसला है। और यही फैसला मुझे बिल्कुल मंजूर है। माजी मुजरम तो बड़ा टीठ निकला। आज से असफर घर से बाहर नहीं जाएगा। माजी ये तो सरासर नाइंसाफी है। अशरफ बेबी, तुम दोनों इसके पीछे साए की तरह रहना, एक मिनट के लिए भी इसको अकेला नहीं छोड़ना। माजी आपने ये तो कोई औखा सा फैसला सुना दिया, अब क्या इसके साथ वॉशरूम में भी जाना पड़ेगा? प्लीज माजी नहीं, रहम माजी रहम। बंदर की डुग डुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुग डुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुग डुगी है। कभी आगे से बची है तो कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुग डुगी है। बंदर की डुग डुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुग डुगी है। देखो बेबी डार्लिंग, अगर तुम लोग यूं साई की तरह मेरे पीछे पड़े रहोगे तो मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? असफर जरूरी नहीं है बड़ा आदमी बनने के लिए प्यार करने वाली बीवी, शफीक माँ जैसी माँ और प्यार करने वाले भाई जैसे भाई को धोखा दिया जाए। तो मेरी बाजी का नाम लेना भूल गई शायद। हाँ भाभी भी। यार मैं तुम सबको सरप्राइज देना चाह रहा था। जो भी देना है ना बाद में देना, पहले शराफत से ये बताओ सुबह सुबह रोमांटिक बातें किससे कर रहे थे? अरे किसी से नहीं यार, मैं तो रिहर्सल कर रहा था। रिहर्सल? हाँ रिहर्सल। क्या मतलब? बेबी डार्लिंग बहुत साल पहले मैंने एक ड्रामा कंपनी को इंटरव्यू दिया था। नौकरी के लिए? अरे नहीं भाई, एक्टिंग के लिए। फिर? उन्होंने मुझे 5,000 किस्तों वाले शो के लिए हीरो साइन किया है। असफू इतनी बड़ी खबर तुमने अपनी बीवी से छुपाई क्यों? बेबी डार्लिंग मैं चाह रहा था तो मुझे डायरेक्टली स्क्रीन पे देखो। ओहो असफू तुमने सारा मजा खराब कर दिया यार, सारा सस्पेंस जाया कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। यार असफू तुम अगर आज भी ना बताते तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? क्योंकि आज शाम को CR है। अब ये CR क्या होती है? कैमरा रिहर्सल। असफू बाबा अगर तुम पहले बता देते ना तो मैं सब संभाल लेती, कोई टेंशन ही ना होती। कितने बड़े डफर हो तुम। देखो इस वक्त तुम एक क्लास एक्टर से मुखातिब हो। वैसे असफू एक बात तो तय है, तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने शौहरों पे शक करती हैं। तुम्हें नहीं पता एक सुपरस्टार की बीवी होना मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, कितनी अहमियत रखती है ये बात। क्या तुम खुश हो? ऑफ कोर्स यू इडियट, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं जाऊँ? कहाँ? अरे CR पर। असफू वहाँ पर लड़कियाँ होंगी क्या? बिल्कुल होंगी, बल्कि आज तो मैं और मेरी हीरोइन होंगे। तो उसे घर पे बुला लो। क्यों, तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है? असफू तुम पे एतबार है लेकिन उन लड़कियों पे नहीं है ना। हमें तो पहले से ही पता था। अगर आपको पता था तो आपने बताया क्यों नहीं? खामखा मेरा असफू इतनी टेंशन ले रहा था। जो बात तुम कर रही हो ना वो नहीं पता था। फिर क्या पता था? यही कि हमारा भाई एक ना एक दिन सेलिब्रिटी जरूर बनेगा। बाजी पहले मैं सुपरस्टार बनूंगा। नहीं नहीं पहले तू सेलिब्रिटी बन जाना। अरे भाभी पहले आप इसे सुपरस्टार बनने दे, उसके बाद ये सेलिब्रिटी बन जाएगा। हाँ। हम तो हर जगह अपने भाई के साथ साथ ही रहेंगे। क्यों? ताकि लोग हमारी तस्वीरें उतारें। लोग आपकी पिक्स क्यों उतारेंगे? पिक नहीं तस्वीरें उतारेंगे। अरे बाजी अंग्रेजी में तस्वीर को पिक्चर्स कहते हैं और पिक्चर्स का शॉर्ट होता है पिक्स। लेकिन हम तो उर्दू में ही तस्वीरें खिंचवाएंगे। हाँ भाभी आप मेरे साथ ज्यादती करने लगी हैं आप। अरे हम क्यों तेरे साथ ज्यादती करेंगे? मैं असफू की बीवी हूँ। और हम बाजी हैं, बड़ी बहन जो है वो माँ की तरह होती है। बताना असफर इसे। हाँ हाँ क्या है असफू? कान खोल के सुन लो, तुम्हें बड़ा एक्टर बनाने में ना सबसे बड़ा हाथ मेरा ही होगा और मैं अपने हक पे किसी को भी डाका नहीं डालने दूंगी, बता दो भाभी को। हाँ हाँ क्या कर रहे, साफ साफ क्यों नहीं बताता अपनी बीवी को? सबसे पहला हक हमारा है, हमने ही पाल पोस के तुझे इतना बड़ा किया। जी 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 के बच्चे, मैं तुम्हें कहीं अकेला नहीं जाने दूंगी, हर वक्त साथ साथ रहूंगी। अच्छा मैं आप दोनों को अपने साथ लेके जाया करूंगा, खुश? हाँ। देखा बेबी हमारी मस्नूई लड़ाई ने बेचारे को कितना परेशान कर दिया। जी भाभी। तो आप दोनों मेरे साथ ड्रामा कर रही थी? सिर्फ तू ही नहीं है, हम भी बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। आई होप इस हम में मैं भी शामिल हूँ। हाँ हाँ। जा जा जा, असफर तो मेरा भरा है ना, माँ जी हमें कहती हैं
तेरे दिमाग में कीड़ा है। आप मुझे ये बताने के लिए यहाँ पे लाए? नहीं, यहाँ तो मैं तुम्हें ना माहौल बनाने के लिए लाया हूँ। माहौल बन गया भाईजान, आप काम की बात कीजिए, आजकल मेरे पास फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है। तेरा मतलब है कि काम की बात डायरेक्ट ही कह दूं? जी, ले फिर काम की बात शुरू। मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, तेरे भाई का कोई छोटा मोटा काम नहीं मिल सकता? मेरा तो कोई भाई नहीं है, आप किस भाई की बात कर रहे हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। भाईजान, आप मेरे साले हैं। बहनोई भी तो हूँ। बस यही तो मेरी मजबूरी है। तो फिर तो मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करना असफर। देख, तू काम करेगा और मैं बेला चंगा लगूंगा। नहीं नहीं, आप तो बहुत बुरे लगेंगे। शाबाश, तेरी यही एक बात बहुत अच्छी है। क्या? तू दूसरों के जज्बात ना फौरन ही समझ जाता है। मैं समझ गया। देख असफर, तेरी सिफारिश से मुझे छोटा मोटा काम मिल जाए तो तेरा क्या जाएगा? भाई जरा एक्टिंग कर लेंगे। नहीं, मुझे को वो काम बता जिसमें जान ना मारनी पड़े। मतलब? कोई वेला बैठने वाला काम बता मुझे। अरे भाई, ड्रामा लाइन में तो सबसे फारिग आदमी डायरेक्टर होता है, सिर्फ मॉनिटर के आगे बैठा रहता है। मैं समझ गया, ये काम तो मैं कर सकता हूँ, बस समझो आज से मैं डायरेक्टर। एक और फारिग आदमी भी होता है। वो कौन है? राइटर, वो भी सिर्फ बैठा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं डायरेक्टर राइटर दोनों जॉब कर सकता हूँ। लेकिन भाईजान, एक मसला है, देखिए दोनों कामों के लिए दिमाग चाहिए और वो तो आपके पास है नहीं। मैं उधार ले लूंगा दिमाग। असफर, मैं ना आज से रोज 1 किलो बादाम खाया करूंगा। गुड। बात तो सुन असफर। मैं कब से अपने सेलिब्रिटी पुत्र का इंतजार कर रही थी। माजी आशीर्वाद दे अपने पुत्र को। अरे मुत्तेरा माजी, पता है असफर आपके पैर क्यों छू रहा है? नहीं, ये ना साबुन में काम करने के लिए बुक हो गया। साबुन में नहीं भाईजान, डेली सोप में। हफ्ते के 8 दिन वो टीवी पे आया करेगा। ओए असफर, है हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं। जी हाँ, 7 दिन प्राइम टाइम पे और 8वें दिन सारी किस्तें एक साथ चला करेंगी फिल्म की तरह। कुछ सबक सीख असफर से। ऐसे होते खानदानी लोग, इतना बड़ा एक्टर बन गया फिर भी अपनी सासू माँ के ना पैर छूता है। तू दरमियान में क्यों बोला? माँ जी, आपकी बातचीत लंबी हो रही थी ना इसलिए। भाईजान जरा एसी ऑन कीजिए, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। असफू, ये लो कोट पहन। बेबी डार्लिंग, बहुत गर्मी हो रही है। बेबी, ये तुम्हारा लकी कोट है ना, इसमें तुम्हारी मुझसे शादी हुई थी और मेरी किस्मत की वजह से तुम एक्टर बन रहे हो आज। पुत्र, बेबी ठीक कह रही है। भाईजान, मैं चलता हूँ, मैं जरा लेट हो रहा हूँ। अरे असफर, एक बात याद रखना, ये जो बड़े एक्टर होते हैं ना वही सेट पे लेट जाते हैं। असफर, तुम एक बड़े एक्टर हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी किस्मत की वजह से। 2 घंटे में पहले ही लेट हो चुका हूँ। चलो फिर, टैक्सी खड़ी है बाहर। टैक्सी अभी से बाहर खड़ी है? मैंने 2 घंटे पहले फोन करके बुला ली थी। ओ चल निकल निकल, देर हो रही है। चल शाबाश। अच्छा भी अच्छा, रब रखा। चल आ जा आ जा। हां जी, मैं जरा छोड़ के। सबसे पहले अपने भाई के गले में हार हम डालेंगे। जी नहीं, सबसे पहले उसके गले में हार मैं डालूंगी, क्योंकि ये सब कुछ मेरी किस्मत की वजह से हो रहा है। तुम दोनों लड़ती रहना, पहले मैं डालूंगी। एक मिनट ठहरे। क्या हो गया अशरफ? अजफर के गले में फूलों के नहीं जूतों के हार डाले। क्यों? माँ जी, इसने जिस असिस्टेंट को रिश्वत देकर ड्रामे में काम लिया था ना, उन्होंने ना उस असिस्टेंट को फारिग कर दिया और असफर रहमान की जगह इमरान अब्बास को ले लिया ड्रामे में। बेबी डार्लिंग, ये सब कुछ तुम्हारी लकी वजह से हुआ है। फिर भूत तेरा, इस रिश्वत खोर को ना इस कार से बाहर निकाल। माँ जी। हाँ जी। अपनी